चंद मिनटों में लीक हो गया और हॉस्पिटल स्टाफ से लेकर इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूशंस तक तमाशा देखते रह गए। आखिर कैसे हुआ था ये सब कुछ, किसने किया इतना बड़ा डेटा लीक और कौन था इसके पीछे, जानते हैं इसकी पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। दिन 23 नवंबर 2022, जगह दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल। हर रोज की तरह यहाँ सुबह से ही पेशेंट्स की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी, लेकिन आज परेशानी ये थी कि लाइन छोटी होने के बजाय बढ़ती जा रही थी और पेशेंट्स को काउंटर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। वहीं काउंटर भी कंफ्यूजन में इधर उधर फोन ही मिला रहे थे। इस वक्त एक फोन हॉस्पिटल की कंप्यूटर फैसिलिटी को भी लगाया गया और साफ शब्दों में पूछा गया कि क्या कोई खराबी है, ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं दिखाई दे रही है। कंप्यूटर सेक्शन अभी इसका जवाब दे ही रहा था कि एक बार फिर से फोन की घंटी बजी और इस बार फोन बिलिंग सेक्शन से था। उन्होंने भी सेम क्वेश्चन किया, क्या सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, बिलिंग नहीं हो पा रही है। और फिर इसके बाद तो जैसे कॉल्स की छड़ी ही लग गई, एक के बाद एक हर सेक्शन से फोन आ रहे थे, लेकिन कंप्यूटर सेक्शन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। एम्स में सुबह 8 बजने तक बवाल इतना बड़ा हो गया था कि भाई एम्स के डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर की फोन की घंटियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो सर पकड़ के बैठे थे कि आखिर ये क्या बवाल चल रहा था। उनके मेडिकल करियर में ऐसा तो कभी नहीं हुआ था जब मेडिसिंस, ट्रीटमेंट्स और सभी फैसिलिटीज होने के बाद भी पेशेंट्स इलाज के लिए इंतजार कर रहे थे। आज भारत के इस टॉप हॉस्पिटल का ऑनलाइन सिस्टम फेल हो गया था और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ले देकर जब एम्स की एक टेक्निकल टीम नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने इसके इन्वेस्टिगेशन की तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल हॉस्पिटल का डेटा सर्वर करप्ट हो चुका था, साथ ही किसी ने लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम और एप्लीकेशन सर्वर को भी करप्ट कर दिया था। कमाल है कि इतनी बड़ी हरकत भारत के सबसे प्रेस्टीजियस हॉस्पिटल में ही हो रही थी और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। ऐसा हो कैसे सकता था, आखिर कौन इसके पीछे था? और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि ऐसी सिचुएशन में पेशेंट्स को कैसे मैनेज करना है। बाहर खड़े खड़े पेशेंट्स आग बबूला हो रहे थे। सुबह से अब तक ना किसी को अटेंड किया गया था और ना कोई रीजन उनके सामने रखा गया था। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया कि भाई जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलता है तब तक ओपीडी रजिस्ट्रेशन को ऑफलाइन चलाया जाए और जल्द से जल्द पेशेंट्स को इलाज दिया जाए ताकि उन्हें हॉस्पिटल के सिस्टम में आए फॉल्ट से परेशानी ना हो। यही सोचकर हॉस्पिटल स्टाफ जल्द से जल्द अपने काम में लग गए, लेकिन फिर भी इस प्रोसेस को चलाने में कई घंटों लग गए क्योंकि अब स्टाफ अपने हाथों से लिखकर रजिस्ट्रेशन कर रहा था। ऐसे में इस धीमी रफ्तार से परेशान होकर जहां कई पेशेंट्स घर भाग गए, वहीं कुछ ने हल्ला मचाकर इसका विरोध जताया और खरी खोटी सुनाकर चले गए। खैर जैसे तैसे हॉस्पिटल ने पेशेंट्स को तो संभाल लिया था, लेकिन अब एक और नई चीज हुई थी और वो ये कि मेन ई हॉस्पिटल के डेटा सर्वर का पहला बैकअप भी करप्ट हो चुका था। अब सॉल्यूशन एक ही था और वो ये कि NIC क्लाउड टीम और प्रोफेशनल EDB को इन्वेस्टिगेशन को बुलाया जाए ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। आगे हुआ भी ऐसा ही, जैसे ही प्रोफेशनल EBD की टीम ने हॉस्पिटल सर्वर की फाइल को खंगालना शुरू किया, उन्हें समझ में आ गया कि प्रॉब्लम कहां थी और एक्चुअली में हुआ क्या है। उन्होंने हॉस्पिटल ऑफिशियल को बताया कि ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक रैंसमवेयर हमला है। जी हाँ, एक ऐसा अटैक जिससे हॉस्पिटल के सर्वर को हैक कर लिया गया था और एक या दो नहीं बल्कि एम्स के 100 में से 5 सर्वर को हैक किया गया था और उनके एक्सटेंशन को बदल दिया गया था। दरअसल रैंसमवेयर एक तरह का ऐसा मालवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में घुसकर एक्सेस ले लेता है। जैसे ही ये वायरस एक्टिवेट होता है, ये आपकी सभी फाइल को एनक्रिप्ट कर लेता है जिससे आपको ही अपनी फाइल्स का डेटा और एक्सेस नहीं मिल पाता। ऐसे में एक्सेस देने की हूल देकर हैकर पैसों की मांग करते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग या किडनैपिंग ही हुई जिसमें फिरौती की मांग की जाती है। एक बार अगर आपने उनकी शर्त मान ली तो या तो वो आपको डेटा लौटा देते हैं और उसे या फिर खत्म कर देते हैं। अब जाहिर था भारत के एम्स में हुई ये बात काफी बड़ी थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि आखिर हॉस्पिटल के डेटा को क्यों चोरी किया गया, आखिर उसके डेटा का क्या कोई कर सकता था। दरअसल एक आम डेटा भले ही हैकर के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन एम्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन के पास भारत के VVIP लोगों का डेटा होता है। इसमें सेलिब्रिटी से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों का हेल्थ डेटा रखा जाता है। अब जाहिर है कि किसी नॉर्मल हैकर को देश के इम्पोर्टेंट लोगों के डेटा से कोई मतलब नहीं होगा। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी थी कि शायद ये काम भारत नहीं बल्कि दूसरे विदेशी हैकर्स का हो सकता है, इसलिए जल्द ही इसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लिखवाई गई और मामले की सीरियसनेस को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द शुरू की गई।
वहीं दूसरी तरफ इस बात का डर भी था कि ये कांड एक बड़ा पतंगड़ ना बन जाए, इसलिए इसे दबाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन बात बढ़ती चली गई और आखिरकार मीडिया के दरवाजे तक पहुंच गई। हॉस्पिटल की कैपेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी पर सवाल उठने लगे, और सवाल उठना लाजमी भी था। इतनी बड़ी आईटी टीम होने के बाद भी भारत जैसे देश में ये हो रहा था। मतलब जिस हॉस्पिटल पर जनता आंख मूंद कर भरोसा करती थी, वहीं से उनका डेटा हैक किया जा रहा था। इन सभी सवालों से घिरी ये टीम अभी भी डेटाबेस की पड़ताल करने में लगी थी, और यहाँ उनके सामने ये बात आई कि भाई कई डिपार्टमेंट्स का दूसरा डेटाबेस ठीक था, जो कि अब तक करप्ट नहीं हुआ था, जो कि एक राहत की बात तो थी, लेकिन इसे करप्ट होने से बचाना जरूरी था, और इसलिए टीम ने जल्द ही इसका नेटवर्क डिस्कनेक्ट कर दिया। मगर तब भी ये प्रॉब्लम थी कि पूरे दिन अस्पताल का काम प्रभावित रहा, एक भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, मरीजों की रिपोर्ट तक नहीं मिली, बिलिंग नहीं हो पाई, एडमिशन भी ऑनलाइन नहीं हो पाया। पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम पर निर्भर एम्स फिर से ऑफलाइन काम करने पर मजबूर हुआ, और इसका खामियाजा आम मरीजों को भुगतना पड़ा। कयास लगाए जा रहे थे कि दूसरे दिन शायद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा, पर इतनी जल्दी कहां ऐसा होने वाला था। ले देकर दूसरे दिन भी जांच के बाद पता चला कि कंप्यूटर फैसिलिटी का सिस्टम बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड नहीं था, ज्यादातर चीजें पायरेटेड थी, और शायद यही रीजन था कि इतना बड़ा हमला हुआ। पुलिस ने जब बड़े लेवल पर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इसके पीछे चीन के दो रैंसमवेयर ग्रुप सम्राट ड्रैगन फ्लाई और ब्रॉन्ज स्टार लाइट DEV-0401 थे। इसके अलावा शक की एक सुई लाइफ नाम के एक ग्रुप पर भी आई थी, क्योंकि इस बड़े साइबर अटैक से करीब 4 करोड़ मरीजों का डेटा चोरी हो गया था। इसमें एक खबर ये भी सामने आई थी कि सर्वर हैक करने वालों ने 200 करोड़ रुपए की डिमांड की है, और खासकर पेमेंट को क्रिप्टो करेंसी में करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। वहीं कुछ साइबर एक्सपर्ट का कहना था कि हो सकता है कि भाई हैकर्स ने बिक्री के लिए डेटा को डार्क वेब पर डालने या बेचने की कोशिश की हो, और भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का डेटा भी वहां बेच दिया हो, लेकिन इस बारे में एजेंसी को कोई भी जानकारी नहीं मिली। कुल मिलाकर ये देश के मेडिकल सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी हैकिंग थी, और लीड के नाम पर पुलिस को अब तक बस कुछ ही फैक्ट्स मिले थे। इसमें पहला ये था कि ये साइबर अटैक हांगकांग की 2 मेल आईडी से किया गया है। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यानी कि IFSO को ये जानकारी मिली थी। हमले में इस्तेमाल ईमेल का आईपी एड्रेस हांगकांग आ रहा था, इसलिए हो सकता था कि चाइना की ये सोची समझी साजिश हो, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं था, और जिसने ये किया था उसका नाम खुलकर सामने नहीं आया था। मगर एक बात जो इस पूरे मामले में पुलिस को समझ में आ गई थी कि वो ये थी कि भाई एम्स के सर्वर सिक्योरिटी में फायरवॉल नहीं था, एंटीवायरस करप्ट मिलने जैसी कई खामियां पाई गई, जिसकी वजह से हैकर्स सिस्टम को ब्रीच करके सर्वर हैक करने में सफल रहे। सिक्योरिटी में कई खामियां होने की वजह से इस पूरी हरकत को अंजाम दिया गया था। कहीं ना कहीं ये टेक्निकल लापरवाही के चलते भी हुआ था, और इसलिए इस पूरे बवाल में 2 कंप्यूटर एनालिस्ट को सस्पेंड भी कर दिया गया था। लेकिन इससे हॉस्पिटल को होने वाली परेशानी कम नहीं हुई। इंटरनेट सर्विसेज के बंद होने की वजह से हॉस्पिटल में सारे काम मैन्युअली हो रहे थे। रजिस्टर में पेशेंट्स के नाम लिखकर ओपीडी कार्ड हाथ से बनाए जा रहे थे। जिस तरह से पहले ओपीडी में रजिस्ट्रेशन होता था, बिल्कुल उसी प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा था। हालांकि इससे ट्रीटमेंट की पूरी प्रोसेस स्लो हो गई थी और स्टाफ को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा था, लेकिन कोई चारा भी तो नहीं था। अब जो मरीज फॉलो अप के लिए आ रहे थे, उनका UHI नंबर ओपीडी कार्ड पर हाथ से लिख कर दिया जा रहा था, जबकि जो मरीज पहली बार आ रहे थे उनके रजिस्ट्रेशन के लिए उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हो रहा था। इसके अलावा जिन मरीजों को जांच के लिए सैंपल देना था उसका रजिस्ट्रेशन भी मैनुअली ही हो रहा था। साथ ही अगर किसी मरीज की सर्जरी होनी है और रिपोर्ट देखना जरूरी है तो डॉक्टर फोन करके पता कर रहे थे या फिर खुद जाकर रिपोर्ट देख रहे थे। दिक्कत ये हुई कि भाई लैब रिपोर्ट जो है 2-3 दिन में मिल रही थी। फोन नंबर लेकर सैंपल लिए जा रहे थे, रिपोर्ट मिस हो रही थी, एक दूसरे की रिपोर्ट इधर उधर हो रही थी। ऐसे में एम्स को मैन पावर भी बढ़ानी पड़ी, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कई दिन बीत जाने के बाद भी साइबर सिक्योरिटी इस प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल पाई थी। अब तक सर्वर का कंट्रोल हैकर के पास ही था, ना तो पैसे की मांग की गई थी और ना ही किसी ने हैक की बात कबूल की थी। देश की कई साइबर सिक्योरिटी संस्था, आर्मी की टीम दिन रात एक करने के बाद भी हैकर का काट नहीं निकाल पाई। ऐसे में ले देकर एक ही सॉल्यूशन निकाला गया कि पूरे सिस्टम को एक नए सर्वर से जोड़ा जाए ताकि काम स्मूथली चल सके। आगे किया भी ऐसा ही गया और वर्क फ्लो भी शुरू हो गया।
लेकिन ये एक बड़ा फेलियर है कि हमारा देश अभी तक ऐसी हरकत करने वाले हैकर्स को नहीं पकड़ पाया है। उनके पास ना तो उस हैकर का नाम है जिसने ये किया है और ना ही ऐसी कोई जानकारी जिससे उन तक पहुंचा जा सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भाई आने वाले समय में अगर ऐसे और अटैक्स हुए तो क्या होगा, हमारे पास क्या प्रोटेक्शन होगी, क्या हम इसके खिलाफ कभी कोई एक्शन ले